नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। तमाम बहिष्कार के बाद क्या अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में नई संसद में जाएंगे? क्योंकि संसद के बाद अब राम मंदिर की भी बारी है। ग्राउंड फ्लोर बनकर जो तैयार हो गया है वो उसके बाद, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दरअसल जो है संसद में कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। नई संसद में पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट और 75 रुपये का सिक्का भी, बोले कुछ पल हो जाते हैं अमर, ये तमाम चीज़ें कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या खड़गे जी जाएंगे खास करके जो है वो नई संसद भवन में? कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, जरा सुन लीजिए। एक ओर पूरी कांग्रेस नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है, तो वही दूसरी ओर प्रमोद कृष्णम इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षियों को साधते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। जरा ट्वीट में क्या है जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत को नया संसद भवन समर्पित किया और धूमधाम से नई संसद का उद्घाटन किया। हालांकि कुछ विपक्षी नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों से नहीं बल्कि राष्ट्रपति हाथों होना चाहिए था। विपक्षी दल लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर जुबानी हमले कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का एक बयान आया है जिसमें सबको हैरान कर दिया है। प्रमोद कृष्ण ने बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट भी किया। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ट्वीट में लिखा, धर्म दंड स्थापित हो गया है, देवता पुण्य बरसाने वाले लगे थे, ये चिल्लाने लगे हैं, ये इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, चिंता का विषय तो है कि आखिर किस तरीके से इन लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया, खास करके ये चीज़ हुई। अब क्या खड़गे जी जाएंगे नई संसद भवन में? द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आई थी, सोनिया गांधी नहीं आई थी, तो ये एक बड़ा सवाल। अब देखते हैं कि नई संसद भवन में विपक्ष की तरफ से कौन जाता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम न्यूज़।